यूजर फॉर्म का नेम को चेंज करना हो या कैप्शन को चेंज करना हो, तो नेम को चेंज करने के लिए आप यूजर फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नेम दिखेगा। अब इसमें जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मान लीजिए फॉर्म। यहां फॉर्म लिखने से देखिए आप, यहाँ का नेम चेंज हुआ, ऊपर का चेंज नहीं हुआ। ये ऊपर का तब चेंज होगा जब आप कैप्शन चेंज करेंगे, और कहाँ चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी में। हो सकता है कि प्रॉपर्टी बार विजुअल ना हो, तो आप F4 से या इस पे क्लिक करके ऊपर जो दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक करके आप ला सकते हैं। यहां मैंने यूजर फॉर्म पे लिया और यहां पे लिख दिया मैंने, मान लीजिए डेटा फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज है, आपके हिसाब से उस प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर फॉन्ट कैसा होना चाहिए, बाकी सारे लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, माउस पॉइंटर कैसा होना चाहिए, आप चाहते हैं इसका माउस पॉइंटर अलग हो जाए तो यहाँ से अपने अपनी माउस पॉइंटर को चूज कर सकते हो। पिक्चर्स, इसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ से अपना पिक्चर ऐड कर सकते हो कि भाई बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो पिक्चर कुछ और दिखे, ठीक है। ठीक है सर जी, मैं डिलीट कर देता हूं। उसके अलावा यहाँ स्क्रोल बार यहाँ पे देना चाहते हैं, लेकिन ये चीज तब होगी जब इसके अंदर जब बड़ा होगा तो जूम करना है, जूम कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी जो सेटिंग है वो सेटिंग को चेंज कर सकते हो।